गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इम्प्रेशन। देखिए, इससे पहले वीडियो के अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे थे और उसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला तक आपको बताया था। पैराबोला को फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहते हैं। सपोज ये पॉइंट पी है और ये फिक्स्ड पॉइंट एफ है, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट। और ये कौन सा है? वेरिएबल पॉइंट है जो चल रहा है। और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए, अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस यानी पीएस और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस पीएम, अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर रहते हैं, यानी कि कोई पॉइंट इसको इस रूल को फॉलो करते हुए मूव करता है, तो उस पॉइंट का जो पाथ होता है यानी लोकस होता है वो कुछ इस शेप का होता है और ये शेप आपका क्या कहलाता है? पैराबोला। यानी पैराबोला की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, तो उस वो पॉइंट जो लोकस बनाता है, जो पाथ बनाता है, दैट इज पैराबोला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी एस इज इक्वल टू पी एम होता है और पी एस अपॉन पी एम को हम क्या कहते हैं? ई, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इसेंट्रिसिटी। अब चूंकि इसके अंदर ये दोनों डिस्टेंसेज इक्वल हैं, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। पी एस और पी एम दोनों बराबर हैं तो इसलिए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। तो याद रहे, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? वन। इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए, पैराबोला हमने आपको ये बताया था कि इसके अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, यानी कि इसके अंदर, इसकी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल लीनियर होता है, दूसरा क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, अब जो वेरिएबल लीनियर होता है उसका मुंह उसी तरफ को खुलता है। जैसे सपोज अगर हम इस पैराबोला की बात करें, तो देखिए ये पैराबोला जो है ये लीनियर एक्स में है, इसलिए इसका मुंह जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ को खुलेगा। तो ये पॉइंट जो होता है इसका, दैट इज वर्टेक्स, दिस इज जीरो जीरो, और ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं फोकाई। और इस फोकाई के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? देखिए, लीनियर पावर जो है हमारा, जो लीनियर टर्म है, इसका कोफिशियंट है 4a, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a, 0। अब देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है और ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये y एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करें तो ये एक्सिस हमारे पास इस तरह से आ जाता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई तो इसका इक्वेशन क्या होगा? चूंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये इसका इक्वेशन होता है। यानी ये दोनों डिस्टेंस कैसे होते हैं? इक्वल। ठीक है, तो पैराबोला के लिए हमें क्या याद रखना है कि पैराबोला के अंदर दो वेरिएबल होंगे और एक वेरिएबल लीनियर होगा और दूसरा क्वाड्रेटिक होगा, और ये दोनों टर्म जो होंगे प्लस या माइनस में होंगे। इस तरह से हो सकता है वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए वाई इस तरह से हो सकता है। तो इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक दूसरा लीनियर होता है। अब हमें देखिए आगे ये समझना है कि अगर मान लीजिए ये लीनियर एक्स में है तो इस पैराबोला का मुँह प्लस एक्स की तरफ को खुलेगा। अगर मान लीजिए ये पैराबोला हमारे पास इस तरह से है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स,
तो इस पैराबोला का जो मुंह होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को खुलेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये आपकी फोकाई होगी माइनस ए कॉमा ज़ीरो, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। ये वर्टेक्स होगा दैट इज़ ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास पैराबोला इस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर वाई में है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, और इसका जो मुंह खुलेगा वो प्लस वाई की तरफ को खुलेगा, यानी इस तरह का पैराबोला होगा ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये वर्टेक्स हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो, और इसके अंदर ये फोकाई हो जाएगी ज़ीरो कॉमा ए, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसलिए इसका इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए, चूँकि इधर के डिस्टेंसेज नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, ठीक है। तो इधर के डिस्टेंसेज नेगेटिव होते हैं, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए। इसी तरह से अगर हमारे पास पैराबोला इस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, तो इसका मुंह ये लीनियर वाई में है, नेगेटिव वाई में है, इसलिए इस पैराबोला का जो मुंह खुलेगा वो किधर खुलेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ को खुलेगा, यानी इस शेप का होगा ये, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये फोकाई हो जाएगी जीरो कॉमा माइनस ए, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए वाई इज इक्वल टू प्लस ए हो जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब देखिए पैराबोला के लिए हमें इतना मालूम होना चाहिए, यानी कि पैराबोला क्या है, एक ऐसा कर्व है कि अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड स्टेट टाइम से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, तो वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। पैराबोला जो होता है दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक होता है, दूसरा लीनियर होता है। जो क्वाड्रेटिक जो लीनियर होता है उसकी तरफ उसका मुंह खुलता है, जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताए, ये इसकी फोकाई होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो पैराबोला में हमें इतना मालूम होना चाहिए। अब देखिए हम नेक्स्ट फिगर आपको बताते हैं, सर्किल। देखिए सर्किल की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, तो वो पॉइंट जो पाथ बनाता है या जो उसका लोकस होता है उसी को हम सर्किल कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, अब कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, तो वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। अगली बात समझ में, आप देखिए इसका हम कहीं से भी डिस्टेंस देख लें, ये डिस्टेंस देखें, ये देखें, ये देखें, इधर देखें, ऐसी इधर देखें, हर जगह ये डिस्टेंस इक्वल होगा और रेडियस के बराबर होगा। तो सर्किल क्या है कि अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, तो वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है या जो उसका लोकस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। अब देखिए सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए सर्किल के अंदर, सर्किल की इक्वेशन के अंदर भी दो वेरिएबल होंगे, और याद रहे दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होंगे और उनके कोफिशेंट वन वन होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन, वाई स्क्वायर का कोफिशेंट वन। देखिए ये एक सिंपल सर्किल है जिसका सेंटर हमेशा कहाँ होगा, ज़ीरो ज़ीरो पर, सेंटर कहाँ होगा, ज़ीरो ज़ीरो पर, और रेडियस क्या होगी, जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है उसका अंडर रूट ले लेंगे, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी के ए, ठीक है।
अब देखिए, अगर हमारे पास कोई सर्किल इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ही, लेकिन साथ में एक्स और वाई के लीनियर टर्म भी आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सी इज इक्वल टू, देखिए जो x का कोफिशेंट है उसको हाफ कर देते हैं और साइन बदल देते हैं, तो 2g का हाफ क्या होगा, g, यानी कि माइनस g। इसी तरह से 2f का हाफ क्या होगा, f, साइन बदल देंगे माइनस f। तो इस प्रकार के सर्किल का सेंटर क्या होगा, माइनस g माइनस f। कैसे निकालेंगे कि जो सर्किल की इक्वेशन में लीनियर टर्म है x और y, तो x का कोफिशेंट 2g कहलाएगा, उसको आधा कर देंगे और उसका साइन बदल देंगे तो माइनस जी, और इसी तरह से ये y का कोफिशेंट है 2f, इसको हाफ कर देंगे, f साइन बदल देंगे माइनस f, ये इसका सेंटर हो जाता है। इसी तरह से इसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की एफ की सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमारे पास ये कोई सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये एक सर्किल है। देखिए सर्किल कैसे है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों हैं और साथ में एक्स और वाई की लीनियर पावर भी है। अगर एक्स और वाई की लीनियर पावर ना हो और केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो भी ये सर्किल है, शर्त यही है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्लस में हों। अगर बाय द वे यहाँ प्लस के बजाय माइनस हो गया तो ये सर्किल नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, 2g इज इक्वल टू माइनस फोर, तो g बराबर माइनस टू, यहाँ कंपेयरिंग करेंगे 2f इज इक्वल टू माइनस सिक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस थ्री, सी इज इक्वल टू प्लस थ्री। अब देखिए सेंटर क्या हुआ हमारे पास, सेंटर हो गया हमारे पास माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। अब देखिए जी कितना है हमारे पास, माइनस टू तो प्लस टू हो जाएगा, एफ कितना है माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो जाएगा, दैट इज़ द सेंटर। अब देखिए इसकी रेडियस हम निकालना चाह रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर फोर प्लस नाइन माइनस सी, सी कितना है थ्री, देखिए नौ चार तेरह, तेरह में से तीन गया दस, रूट टेन, ये इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अगर सर्किल हमारा इस फॉर्म में दे रखा है जिसके अंदर केवल स्क्वायर वाले टर्म हैं, लीनियर टर्म नहीं है, तो उस सर्किल का सेंटर हमेशा ओरिजिन पर होगा, जीरो जीरो पर होगा, और उसकी रेडियस क्या होगी, कॉन्स्टेंट टर्म का अंडर रूट। और अगर क्वाड्रेटिक के साथ साथ यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ साथ लीनियर टर्म भी हैं तो सेंटर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, रेडियस ऐसे निकाल सकते हैं। सर्किल के लिए हमें इतना आइडिया होना ज़रूरी है जिसकी हमें मैकेनिक्स में ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इलिप्स। देखिए एलिप्स क्या है कि अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक से छोटा हो, तो वो पॉइंट जो पाथ बनाता है या जो लोकस बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है मूवेबल और ये फिक्स पॉइंट है एस और ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये पॉइंट मान लीजिए पी है और ये पी एम है।
अगर देखिए पी एस पी एस अपॉन पी एम अगर ये चीज़ एक से छोटी होती है तो ये क्या कहलाएगा? इलिप्स। और पी एस अपॉन पी एम क्या कहलाती है? इसेंट्रिसिटी, यानी ई इज लेस देन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल के केस में, वो इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा एक से छोटी होगी, ठीक है, एक से कम होगी। अब देखिए अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है तो उसका पाथ जो है वो इस प्रकार से बन जाता है, ये इस तरह से। इलिप्स के अंदर दो एसेंट्रिसिटी होती है, एक ये होती है एक ये होती है। अब देखिए इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये इलिप्स है, देखिए ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाती है? फोकाई। और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए ये इलिप्स के अंदर ये कहलाता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये कहलाता है माइनर एक्सिस। अब देखिए इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। याद रहे इलिप्स के अंदर दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होंगे और उन प्लस में होंगे, साथ में वन अपॉन ए स्क्वायर यानी वन अपॉन बी स्क्वायर यानी कि दोनों के कोफिशेंट अलग अलग होंगे और इज इक्वल टू वन होगा, दैट इज इलिप्स। तो इलिप्स के अंदर देखिए दो इसेंट्रिसिटी होती हैं, ये दो फोकाई होती हैं। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी तो वन ही होगी, मतलब एक से कम होगी। इलिप्स के अंदर इसेंट्रिसिटी ई हमेशा एक से कम होगी, फोकाई दो होंगी। इस फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा जीरो और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए ई कॉमा जीरो और ये सेंटर होता है जीरो जीरो और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा जीरो और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए कॉमा जीरो। देखिए ये मेजर एक्सिस है, ये पूरा ए, ये पूरा ए, इसका नाम मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a। और माइनर एक्सिस कितना होता है? 2b। ठीक है, तो इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। याद रहे मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब देखिए इलिप्स के अंदर दो फोकाई होंगी एस एस डैश, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो, दो ही डायरेक्ट्रिक्स होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। इसका इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू, चूंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ए अपॉन ई, और इसका होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, यानी कि इलिप्स क्या है? अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक से छोटा रहे तो वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है उसको हम इलिप्स कहते हैं। और पी एस अपॉन पी एम का रेशियो इसेंट्रिसिटी कहलाती है और इस इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इलिप्स के केस में इसकी वैल्यू एक से छोटी होती है यानी लेस देन वन होती है। इलिप्स के अंदर दो इसेंट्रिस, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों क्वाड्रेटिक होते हैं लेकिन दोनों के कोफिशेंट अलग अलग होते हैं। इसका वन अपॉन ए स्क्वायर है, इसका वन अपॉन बी स्क्वायर है, साथ में इज इक्वल टू वन है। फोकाई हमारे पास ये हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये हो गई, इनको हमें याद रखना है चूँकि नीट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर इनके एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास इलिप्स हो जाता है। इलिप्स के अंदर हमें एक फार्मूला और याद रखना है, क्या? कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, एक इस फॉर्मूले की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस
बी क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। ई क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है जो इलिप्स के केस में एक से छोटी होती है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अगर हम बात करें पैराबोला की, तो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, ई इज इक्वल टू वन। अगर हम बात करें सर्किल की, तो सर्किल के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, जीरो। सर्किल के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, जीरो। अगर हम बात करें इलिप्स के लिए, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, लेस देन वन। ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक लास्ट फिगर हमारे पास बचती है, हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला क्या है कि अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक से बड़ा रहे, तो वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला। ये हाइपरबोला इस शेप का होता है, डंबल शेप। जैसे अगर किसी डंबल को हम 20 से उसका क्रॉस सेक्शन ले लें, तो ये हाइपरबोला होता है, और ये हाइपरबोला का मेजर एक्सिस और ये उसका माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इसके अंदर इसका इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर इसेंट्रिसिटी हमेशा एक से ज़्यादा होगी हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला। अब देखिए, अब बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, इलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए ई वन होगा, सर्किल के लिए ई ज़ीरो होगा, इलिप्स के लिए लेस देन वन होगा, और हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन वन होगा। अब देखिए, ये इसके फोकाई होते हैं ए ई कॉमा ज़ीरो और माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, और देखिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है, ये आपका ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये इसके वर्टेक्स होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। याद रहे, हाइपरबोला में एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन बीच में माइनस आता है। इलिप्स के अंदर भी एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन बीच में प्लस आता है। इलिप्स के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट अलग अलग हैं, इसी तरह से हाइपरबोला के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट अलग अलग हैं, ठीक है। तो इलिप्स के अंदर ई लेस देन वन होगा, हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन वन होगा, और इसके लिए हमें ये याद रखना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन, ये हाइपरबोला के लिए होता है। इलिप्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस, ये ब्रैकेट में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और वन माइनस ई स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन, ई इज ग्रेटर देन वन। तो ये फिगर हाइपरबोला कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, हमें चारों स्ट्रेट लाइन भी हमने आपको बता दी, उसके बाद सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ आपको बता दिया है। इतना हमें बेसिक जो है वो आना चाहिए। अब देखिए, इसी के बेस पर नीट पे एक बार क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ए ज्योमेट्रिकल कर्व, इनमें से कौन सी इक्वेशन ज्योमेट्रिकल कर्व नहीं है। चार ऑप्शन दिए आपको, पहला इलिप्स, दूसरा पैराबोला, तीसरा हाइपरबोला और चौथा तंबोला। तो याद रहे कि तंबोला कोई ज्योमेट्रिकल कर्व नहीं होती, तंबोला जो है वो एक गेम का नाम है जो हाउजी में होता है। तो तंबोला इज नॉट ए ज्योमेट्रिकल कर्व, इट इज ए नेम ऑफ गेम, याद रखें, नीट में आ चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। देखिए, यह कोऑर्डिनेट आपकी लगभग पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल बताएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहें।
हम मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू।